नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह रिपोर्ट। आजमगढ़ एनआरसी के मुद्दे पर जिले में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए डीएम कार्यालय पहुंचा। गुरुवार को समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल निवर्तमान जिलाध्यक्ष हवलदार यादव और विधायक आलमबदी के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा। इस दौरान डीएम को धन्यवाद ज्ञापित करने के बाद बाहर निकले सपा के निवर्तमान जिलाध्यक्ष ने कहा कि एनआरसी के विरोध को जिस अच्छे ढंग से जिलाधिकारी ने लोगों को समझा बुझाकर जिले में उपद्रव को रोका, जिलाधिकारी की इस पहल को पार्टी काफ़ी सराहना करती है। वहीं उन्होंने आरोप लगाए कि पुलिस बिना वजह कुछ निर्दोष लोगों को फंसाने की धमकी देकर धन वसूली करना चाह रही है, इसकी भी शिकायत डीएम से की गई है। हम लोगों ने ज्ञापन नहीं दिया है, बल्कि जिले में शांति व्यवस्था किस तरह से कायम रहे इसके लिए हम लोगों ने डीएम साहब से बात किया और हमारे विधायक आलमबदी जी ने डीएम साहब का धन्यवाद दिया कि जो उन्होंने अपीलें छपवा करके कि आजमगढ़ जिला साहित्यकारों, लेखकों और तमाम बुद्धिजीवियों का ज़िला है, ये पढ़े लिखे लोगों का ज़िला है, यहाँ कभी अमन और शांति के खिलाफ कभी कोई साजिश नहीं हुई, नहीं कोई उपद्रव हुआ है। तो ऐसी परिस्थितियों में हम ये चाहते हैं कि आगे आने वाले दिनों में किस तरह की कोई घटना ना हो जिससे इस ज़िले की बदनामी हो। हम लोगों के संज्ञान में आया है कि कहीं न कहीं पुलिस इन आंदोलनकारियों के नाम पर जगह जगह उनका नाम पुलिस में डाल दिया जाएगा, उनका नाम FIR में डाल दिया जाएगा, यह बात कह करके धनुगाही की बात कर रही है। इससे लोगों को शिकायत थी, इस बात को हम लोगों ने डीएम साहब से अवगत कराया कि यह बातें बंद की जाए, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप बंद किए जाएँ और मिल करके जहाँ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं वह शांति व्यवस्था बनाए रखने का काम किया जाए और पुलिस को ये निर्देश दिया जाए कि ये उत्पीड़न का काम न करें बल्कि लोगों की मदद करने का काम करें। इस बात की डीएम साहब से अपेक्षा की गई है और इस पर डीएम साहब ने आश्वासन दिया है।